नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजा का आपका स्वागत करता हूं। आइए रुख करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। अपनी दो सूत्रीय मांगों को लेकर 19 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ द्वारा हड़ताल के 25वें दिन विभिन्न समाजों से आए प्रतिनिधियों के समर्थन पत्र प्राप्त किए, जिन्हें एकत्रित कर सरकार को भेजेंगे। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की जिलाध्यक्ष ने बताया कि धरना स्थल पर सभी धर्मगुरु, समाज सेवी एवं समाज के विभिन्न प्रतिनिधियों के समर्थन पत्र प्राप्त किए हैं, जिन्हें एकत्रित करके प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा। इसी क्रम में आज गायत्री परिवार शांति कुंज की ओर से नारायण प्रसाद शर्मा एवं ब्राह्मण समाज से विप्रोत्थान संघ समिति के ओमकार शर्मा एवं वीरेंद्र भार्गव द्वारा समर्थन दिया गया। यादव समाज से महिला जिला अध्यक्ष श्रीमती सीमा यादव द्वारा समर्थन पत्र के साथ धरना स्थल पर बैठे सभी साथियों का हौसला बढ़ाया गया और बताया गया कि हम अपनी तरफ से शासन से आह्वान करते हैं कि संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसके अलावा स्वर्णकार समाज से विक्रम सोनी, अहिवार समाज से ब्रजलाल अहिरवार, घासीराम अहिरवार, खटीक समाज से हरिओम खटीक, मुस्लिम समाज से मौसिम कुरैशी ने धरना स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन संविदा कर्मचारियों को दिया एवं हड़ताल पर बैठे संविदा कर्मचारियों को हौसला बढ़ाया। बता दें कि जिले में ही नहीं बल्कि प्रदेश भर में स्वास्थ्य सेवाएं बेहाल होती जा रही हैं, लेकिन प्रशासन मौन है। पूरे जिले में प्रसव कार्य, टीकाकरण कार्य, रिपोर्टिंग कार्य, गर्भवती महिला चेकअप, ओपीडी सहित अन्य कार्य प्रभावित हो रहे हैं। प्रशासन द्वारा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। भारत माता की जय। भारत माता की जय। होश प्रशासन, होश में आओ। होश प्रशासन, होश में आओ। होश माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज हमारी हड़ताल का 25वां दिन है। कल हम लोगों ने शाम को भी यहाँ पर शास्त्री जी के प्रतिमा के आगे कैंडल मार्च किया था, क्योंकि सुकमा में हमारे सरकारी कर्मचारी जवानों की हत्या कर दी गई थी, तो उनको हमने श्रद्धांजलि दी। और आज जो हमारा ये प्रदेश के आह्वान पर चरणबद्ध आंदोलन है, उसमें आज हमारे साथ अनेक संगठनों के कार्यकर्ता और अध्यक्ष हमें समर्थन देने आए हैं और हमारी मांगों को उन्होंने जायज मांग मानते हुए समर्थन दिया है कि आपकी मांगें सरकार को पूरी करना पड़ेंगी और हम लोग आपको सहयोग दे रहे हैं। अब अपनी मांगों को लेकर संविदा अधिकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। इसके साथ ही धरना भी शुरू कर दिया। साथ ही इसको लेकर संयुक्त मोर्चे का गठन भी किया गया है, जिसमें विभिन्न विभागों के संविदा अधिकारी व कर्मचारी शामिल हैं। धरने के दौरान जोरदार नारेबाजी की गई। मोर्चा के पदाधिकारियों का कहना है कि प्रदेश को संविदा मुक्त प्रदेश बनाना है, तभी जाकर अपनी हड़ताल वापस लेंगे। चलेगी नहीं चलेगी, अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, संविदा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद लड़ाई है, अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। सिप्पू तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सिप्पू तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। आज हम लोग सभी संयुक्त मोर्चा, संविदा संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर, प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हम लोग 15 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिसमें सभी विभागों के संविदा कर्मचारी शामिल हैं। और इससे पूर्व हम 28 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के भोपाल भेल दशहरा मैदान पर आयोजित, जिसमें लगभग 2 लाख संविदा कर्मी उपस्थित हुए थे, उसके माध्यम से हमने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन भोपाल में किया था। किंतु उस दिन के पश्चात से आज तक मध्य प्रदेश शासन द्वारा संविदा हित में कोई भी निर्णय नहीं लिया गया, उसके परिप्रेक्ष्य में हम आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले। हमारी सिर्फ एक ही मुख्य मांग है कि जो इतना समय, इतना लंबा समय हो गया है, लगभग 10 से 15 वर्ष व्यतीत हो गए हैं, हमारी सिर्फ एक ही मांग है, नियमितीकरण। हमें भी नियमितीकरण का तोहफा दिया। प्रेरकों का एक प्रतिनिधि मंडल आज कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए पहुंचा। प्रेरकों का उपयोग स्वच्छता अभियान में बखूबी किया गया है और सभी ने अपने कार्य को अंजाम दिया है। प्रेरकों की माने तो विगत 3 वर्षों से उन्हें मानदेय नहीं मिला, साथ ही आगामी परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र भी नहीं दिए गए। इन्हीं मांगों को लेकर प्रतिनिधि मंडल आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचा। हमने कलेक्टर महोदय के लिए ज्ञापन दिया है,
जिसमें प्रेरकों को हमें अभी मानदेय नहीं दिया जा रहा है। हम 2-3 सालों से कंटिन्यूस काम कर रहे हैं, हर ग्राम में जा जाकर जनता को जागरूक कर रहे हैं और जनता को मोटिवेट कर रहे हैं स्वच्छता अभियान के तहत, तो हमें अभी तक मानदेय नहीं दिया गया है। तो इस कारण हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है कि हमें मानदेय दिया जाए और हमारी और जो हमें परिचय पत्र वगैरह देना है वो भी नहीं दिए गए हैं, तो ये सब चीज़ें दी जाए। महज औपचारिकता बनकर रह गई उपभोक्ता संरक्षण दिवस पर आयोजित कार्यशाला। विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस पर आज उपभोक्ताओं के अधिकारों पर चर्चा की गई। यहां पर उपभोक्ताओं के नाम पर महज कुछ ही गिने चुने लोग उपस्थित थे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के तत्वाधान में विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यशाला के दौरान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के साथ साथ अन्य अधिकारी भी सरकार के विभिन्न नियमों का उल्लेख करते हुए नजर आए और उन्हें बताया कि उपभोक्ताओं के क्या क्या अधिकार हैं और उन्हें किस तरह से प्रयोग में लाना है। इस दौरान एक कार्यशाला का आयोजन भी किया गया और प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में गैस एजेंसी, नापतौल विभाग, SBI डिजिटल एवं अन्य कार्यालयों की ओर से प्रदर्शनी लगाई गई एवं उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में समझाइश भी दी गई। और किसी क्रम में आमंत्रित कर उनकी याद में 15 मार्च उपभोक्ता संरक्षण दिवस सारे विश्व में मनाया जाता है। अब उपभोक्ता कौन है? सबसे पहले प्रश्न ये उठता है, उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता हम सभी उपभोक्ता है। जो व्यक्ति कोई सेवा लेता है या कोई वस्तु खरीदता है तो वो उपभोक्ता है, क्योंकि उसके सेवा लेने पे भी रेलवे का टिकट लिया या बस का टिकट लिया या हवाई जहाज का टिकट लिया या कोई होटल किराए पे लिया तो वो आज पहला शक्ति है, महिला का नेतृत्व करते हुए जिसमें चाहिए मैडम शिवानी रेखपाल डिप्टी कलेक्टर यहाँ उपस्थित हुई है। मैं आज भाई मैंने सबको फोन लगाए थे, थोड़ी देर से लगा के बता रहा हूँ। सीटू से संबंध आशा उषा एवं सहयोगिनी ने आज नगर पालिका के प्रांगण के बाहर धरना दिया। वहीं सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की, साथ ही न्यूनतम वेतन बढ़ाने सहित कई विभिन्न मांगे उठाई। आशा उषा सहयोगिनी एकता यूनियन मध्य प्रदेश के जिला इकाई के तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन में इन कार्यकर्ताओं ने न्यूनतम वेतन एवं मानदेय वृद्धि के साथ साथ प्रोत्साहन राशि का भुगतान एवं अन्य अभियानों के लिए अतिरिक्त भुगतान दिए जाने की एवं यात्रा भत्ता देने की मांग भी की है। आशा कार्यकर्ताओं के लिए चिकित्सालय में विश्राम जैसी मांगे उठाते हुए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिए जाने पर जोर दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में आशा उषा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इनकी मांगे कितनी जल्दी स्वीकार करता है। कार्यकर्ताओं का, आशा कार्यकर्ता, उषा कार्यकर्ता और सहयोगिनी का, ये पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन चल रहा है। तो ये आज गुना में 2 दिन का धरना है, 15 और 16 मार्च को, और 17 मार्च को पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हड़ताल भी। इनकी मांग वही है कि न्यूनतम वेतन 18,000 रुपया दिया जाए और इनको जो सामाजिक कल्याण की योजनाएँ हैं उनको लागू किया जाए, क्योंकि इन्हें मानदेय भी आज तक मिलता नहीं है, जबकि 2 साल पहले 1,000 रुपये बिक्री हुआ था, उस मानदेय को भी नहीं दे रहे हैं। और वैसे तो ये समान काम का समान वेतन के आधार पर ये जो स्वास्थ्य विभाग के अंदर जो कर्मचारी काम करते हैं उनको जो न्यूनतम वेतन है वो आशा उषा कार्यकर्ताओं को भी न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिए, उस मांग को लेकर ये 2 दिन का धरना है। और 17 मार्च को पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो काम बंद हड़ताल है, गुना जिले के अंदर भी वो काम बंद हड़ताल होगी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत कामाख्या मंदिर उड़ीसा को जाने वाले तीर्थयात्रियों को आज गुना से किया गया रवाना। गुना से करीब 175 यात्रियों को तीर्थ दर्शन योजना का लाभ मिला है।
जिसमें सभी 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को गुना से ले जाया गया। वहीं ट्रेन आने से पहले सभी को नाश्ता भी कराया गया। वहीं IRCTC के कर्मचारियों ने बताया कि पूरी यात्रा का प्रबंधन IRCTC के द्वारा किया जा रहा है और इसमें किसी भी तरह की कोई कमी ना रहे, इसके लिए विशेष तौर पर मॉनिटरिंग भी की जा रही है। अनुसार 175 है, हाँ कुछ प्रतीक्षा सूची में है। कहाँ जाएंगे यात्री? ये कामाख्या देवी, गुवाहाटी, असम। तो इनको क्या वितरण किया जा रहा है? अभी नाश्ता क्यों दिया जा रहा है? नहीं, नाश्ता उन यात्रियों के लिए किया जा रहा है। लेट है गाड़ी? हाँ गाड़ी लेट है। ना नहीं, समय पे आ रही है, सीपड़ी से रवाना हो चुके। यात्रा स्पेशल ट्रेन है जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा चलाई गई है, जिसमें बुजुर्गों को 60 साल से ऊपर या कम भी होते हैं उनको यात्रा भर में यात्रा करवाई जा रही है, जो अब शिवपुरी से चलकर गुना होती हुई असम में कामाख्या देवी के दर्शन करवाकर फिर वापिस उनको अपने स्थान पर छोड़ते हुए कितने दिन बाद वापस लौटेंगे? ये 6 दिन की यात्रा है जिसमें IRCTC सभी बुजुर्गों का ख्याल रखती है। खाना पीना नाना धोना जो भी होता है सब IRCTC की तरफ से हो रहा है। और आज ये खाना दिया जा रहा है, नाश्ता दिया जा रहा है? जो आज ये नाश्ता दिया जा रहा है ये IRCTC की तरफ से ही है। यात्रियों का वेलकम किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है जो इस यात्रा में शामिल। रेलवे के DRM ने किया रेलवे स्टेशन का निरीक्षण। वहीं DRM ने रेलवे कर्मचारियों अधिकारियों को कई सारे दिशा निर्देश भी दिए, साथ ही जो भी कमियां DRM ने देखी उन्हें जल्दी सुधार के लिए कहा। अब देखने लायक होगा कि रेलवे प्रशासन किस तरह से DRM द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को पूरा करेगा। DRM के गुना प्रवास पर उन्हें एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में जो मांगे बताई गई हैं, उनमें जो रेलवे अधिकारियों के खेलने के संसाधन हैं, उनके सही तरह से देखरेख न हो पाना है। बता दें कि रेलवे में अपने कर्मचारियों और अधिकारियों की फिटनेस के लिए कई सारे खेल संसाधनों को इकट्ठा कर रखा है, जिनका उपयोग रेलवे कर्मचारी समय पर नहीं कर पा रहे। यही मांग की गई कि व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाया जाए। खेलने के लिए पहले सोच सब सामान रखा है, धूल चढ़ रही है, कंप्यूटर है, सब है, मगर जगह नहीं है उसके लिए। टेबल टेनिस रखा है और खेलकूद के जिम वगैरह के लिए व्यवस्था नहीं है, इसके लिए सामान के लिए व्यवस्थित के लिए जगह के लिए बोला है। कितने बोला है? DRM साहब से। बमोरी थाना क्षेत्र के ग्राम रेहाना के जंगल में मुखबिर की सूचना पर बीती रात एक संयुक्त मुहिम के दौरान गोलीबारी हुई, जिसके बीच 3 पार्टी पुलिस की पकड़ में आए। इन सभी पार्टियों के पास से बंदूक समेत अन्य हथियार एवं 3 मोटरसाइकिलें, खाना पकाने का सामान, मोर के पंख एवं मोर का मांस भी बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद एक संयुक्त बल का गठन किया गया और पार्टी बदमाशों की घेराबंदी की गई और दोनों पार्टियों की तरफ से गोलियां चलाई गईं। पुलिस की तरफ से चलाई गई एक गोली में एक पार्टी के पैर में जा लगी, जिसके बाद पार्टियों को पकड़ने में पुलिस कामयाब हुई। Yeah, I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital.
मकसूदनगढ़ में काफी दिनों से सूचना मिल रही थी कि मकसूदनगढ़ होते हुए गाँव से भरे ट्रक काफी समय से निकलते आ रहे हैं। इस बात पर मोहर तब लगी जब भोपाल जा रहा एक ट्रक मकसूदनगढ़ के पास सूरजपुरा गांव पर पलट गया, जिसमें गायें भरी हुई थी। पलटने के कारण 8 से 10 गायों की मौके पर ही मौत हो गई। इससे पहले पूर्व में मकसूदनगढ़ के जामनेर में ग्रामीणों ने गाय से भरे ट्रक को पकड़कर जामनेर पुलिस के हवाले कर दिया था। कब तक अवैध रूप से गायों को भरकर ले जाने का काम चलता रहेगा? डीजीएनए न्यूज में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।